guys are watching I Home Collections. If you like the video, hit like, leave a lot of comments and share with your friends. Let's start the video. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं आरएम कलेक्शन। तो जी दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों के साथ हाजिर हूं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। हमारे काफ़ी दोस्त इस चीज़ से परेशान है कि उनका बैन नहीं अपनी जगह पर बैठता, उनका कॉलर अपनी जगह पर नहीं बैठता। जैसा कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक छोटा सा ये छोटी सी एक वीडियो हमें एक हमारे वाचर या हमारे देखने वाले भाई ने भेजी है और हमसे अपना ये मुद्दा बयान किया है, हमसे डिस्कस किया है कि सर हमारा ये इशू है और इस वजह से हमारा जो आप कह सकते हैं कि हमारी बैन जो है वो हमारा नहीं बैठता या हमारा कॉलर नहीं बैठता। तो अगर आप इस चीज़ से आप भी परेशान हैं तो छोटे से कुछ टिप्स हैं जो आपसे मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा और आपको इंशाल्लाह आसानी इसमें होगी और आपके काम में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना ये क्लिप देख लेते हैं और इसमें आपको मैं बता देता हूं कि क्या आपके साथ इशू आ रहे हैं। तो जैसा कि आप ये क्लिप आपकी निगाहों के सामने प्ले हो रहा है दोस्तों, तो इस क्लिप में हमारे लिए जो टेंशन आप खुद देख रहे हैं कि हमारा ये जो बैन है ये अपनी जगह पर प्रॉपर नहीं बैठा और इसके इर्द गिर्द ये झोल्स आप वॉच कर रहे हैं, तो ये झोल जो है ये आपको पता है ये हमारी कमीज़ को बॉडी पे बैठने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, वो हम दोस्तों को इस चीज़ का इलम नहीं होता कि फॉर एग्जांपल हमें कस्टमर जो नाप देकर गया हुआ होता है वो अगर कॉलर का देकर गया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारा कॉलर 14.5 था और अब वो नेक्स्ट टाइम आता है तो हमें ये चीज़ कहता है कि सर आपने हमें 14.5 यानी कॉलर का वो आपसे जिक्र नहीं करता, वो आपको बताता है कि मैंने इस बार कट बैन लगवाना है तो आपने इसके ऊपर कट बैन अप्लाई करना है, यानी मेरे इस जोड़े पर आपने कट बैन लगाना है, कॉलर नहीं लगाना। तो कटिंग में तो आपको जैसे कि पता होता है बैन की कटिंग में भी थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, तीरे की कटिंग में टोटल चेंजिंग आती है बैन की। अगर आपने सिलाई करना है तो अगर आप इसमें तफसील जानना चाहते हैं कि बैन की कटिंग में क्या चीज़ चेंज करना चाहिए तो वो आपसे मैं डिस्कस करता चलूँगा। हालांकि मैंने अपने एक तीरे की वीडियो आप दोस्तों से शेयर की हुई है तो उसमें कोई ऐसी खास चेंजिंग नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपने जस्ट आधा इंच के जो आपने ऊपर नीचे कट करना है उससे आपका इंशाल्लाह आपका ये जो फ़र्क है वो निकल जाएगा और सिर्फ आपने इस जगह से हल्की सी आपने अंदर की तरफ गुलाई रखनी है ताकि ये शेरवानी टाइप आपकी गुलाई बन जाए जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे वो बैन खूबसूरती से बैठेगा। इस मज़ीद रहनमाई के लिए दोस्तों आप हमारी जो तीरे की वीडियो है वो वॉच कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो इंशाल्लाह अगर आप उस मेरे इस मेथड से अगर कटिंग करेंगे तो आपकी ये जो नुक्स हैं ये इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। तो आपने अगर कॉलर की कटिंग करनी है तो दोस्तों आपने अपने तीरे को इस जगह पर बिठाने के बाद इस जगह पर कट लगाना है और अगर आपने बैन अगर अप्लाई करना है तो आपने आधा इंच अपने इधर से ऊपर उठाने के बाद इस जगह पर कट लगाना है। इससे ये होगा कि आपका इंशाल्लाह जो इस जगह से अगर आप अपने बाजू मैचिंग करके लगाएंगे यानी स्टिच करके अगर आप आ रहे होते हैं इस जगह से टुके के साथ टुका मैच करेंगे तो आपका कॉलर में इस किस्म की ढेर ढोल इंशाल्लाह काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हमें अगर कस्टमर, जिस समय आपसे शेयर कर रहा था कि वो अगर हमें ये कह के जाता है कि इस बार यानी आपने हमारे साथ बैन अप्लाई करना है तो 14.5 अगर उसका कॉलर है तो हम उसके अंदर उसी जगह पे 14.5 ही कट बैन अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। कट बैन के लिए जैसा कि आपको पता है कॉलर और चीज़ होती है और कट बैन और चीज़ होती है, कट बैन आपका फिक्स साइज होता है और कॉलर जो होता है उसके अंदर 1.5 इंच प्लस की होता है, जो उसकी साइड की नोकें होती हैं वो उसके साथ प्लस की हुई होती हैं। तो जिस तरह ये देखें दोस्तों, आपको ये पैटर्न के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस जगह पर अगर यानी ये जो हिस्सा होता है आपको ये 1.5 इंच दोनों तरफ से यानी मिलाकर प्लस किया होता है तो आप कट बैन में जब वो आप लगा कर आते हैं तो उसमें ये चीज़ प्लस नहीं हुई होती तो आपका बैन इसी जगह पर आकर फिक्स बैठ जाता है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि आपने जब कॉलर से कट बैन लगाना है तो उसमें आपने 1.5 इंच लाजमी प्लस करना है, ठीक है, 1.5 इंच यानी आपने उसके अंदर लाजमी प्लस करना है। दो जो इस किस्म की आपके प्रॉब्लम्स आती हैं वो यही होती हैं कि आप कटिंग नॉर्मल हिसाब से कर देते हैं और जब उसके ऊपर आप बैन छोटा अप्लाई करते हैं तो वो आपकी इस जगह पर जो झोल होती है वो बन जाती है। तो इसमें ये चीज़ आप मेरे समझ लें कि आपने
डेढ़ इंच आपने जो बैन है उसमें आपने प्लस लाजमी करना है, और इंशाल्लाह ये अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा इशू जो देखने में आता है कि दोस्त कहते हैं इस जगह पर सलवट आती है, तो दोस्तों मैं अपनी कटिंग की वीडियो में आप दोस्तों को अपनी कटिंग और तैयार सूट आप दोस्तों को दिखाता रहता हूँ। उसकी वजह यही होती है दोस्तों कि आपको मोटिवेट करना होता है कि दोस्तों अगर आप मेरे फार्मूले के साथ या मेरे मेथड के साथ, हालांकि बहुत देसी तरीकाकार है, आजकल के जदीद दौर में मैं इस फार्मूले को, इन तरीकाकार को अडॉप्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह सूत्र बाय सूत्र काम कर रहा हूँ, और इससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट मिल रही है और लोगों का अच्छा फीडबैक प्रोफेशनली तौर पर मैं ले रहा हूँ। तो दोस्तों इस जगह पर मैंने अक्सर आपसे एक चीज शेयर की हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अहम कनेक्शंस। देखें दोस्तों जिस तरह मैं अपना बैन नीचे से बैक हटा लेता हूँ ताकि आपकी मजीद बेहतर तरीके से रहनमाई हो सके, तो दोस्तों हम जिस वक्त इसकी कटिंग करते हैं तो ये देख लें दोस्तों, अगर इसको हम तीरे को नीचे की तरफ रखें तो मैं आपको ये चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ, ये देखें दोस्तों हमारा इस जगह पर तकरीबन आधा इंच हमारा डाउन साइज है, ये जो कटिंग हुई हुई है ये आधा इंच यहाँ से डाउन हुई हुई है। तो इसका मेन मकसद यही है कि अगर आपके ये डाउन करने का जो इशू होता है वो यही होता है कि इस जगह पर आपकी सलवटें ना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये जो डाउन आधा साइज है ये लाजमी करना है, ठीक है। अगर ये आप डाउन आधा इंच ये अगर आप तीरे के रख कर आप कटिंग कर रहे हैं, अगर आप इसको बिल्कुल प्रॉपर इसी जगह पर अपना यानी निशान अप्लाई कर लेते हैं, सेम ये चीज़ अगर आप कटिंग कर रहे हैं और इस जगह पर आपने निशान लगाने के बाद इसी जगह पर आपने अपनी कटिंग यानी अप्लाई कर दी है, तो आपका कभी भी ये सलवट वाला इशू नहीं जाएगा। बस आपने इस जगह पर आधा इंच का निशान लगाने के बाद इधर से आपने अपना सेंटर वही रखना है, सिर्फ इसको आपने आधा इंच डाउन कटिंग कर देनी है। ये जो आधा इंच आप डाउन करेंगे ये इंशाल्लाह आपकी ये जो झोल्स हैं इनका इशू हल कर देगा। तो दोस्तों इनमें मेजर जो चीज़ें हैं वो यही होती है कि आपने अपना जो बैन का साइज इक्वल नहीं लेते, आप अपना हालात यानी कम छांट लेते हैं और ये आपके लिए टेंशन बना देता है। इसके बाद दोस्तों हमारा मेन आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें शामिल जो होती है वो ये होती है कि आप बैन का पैटर्न आपका जो होता है वो प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं होता, तो आपने ये चीज़ की तसल्ली कर लेनी है कि जो बैन इस पर अप्लाई कर रहे हैं या जो बैन आप इसके ऊपर लगा रहे हैं वो प्रोफेशनली होना चाहिए, यानी वो प्रोफेशनली तौर पर यूज़ हो रहा हो और आपने यूज़ करके उससे भरपूर फ़ायदा उठाया हुआ हो, आपका वो बैन पास हो। तो दोस्तों इस किस्म के यानी बैंस के डिज़ाइन अवेलेबल हैं जो हम प्रॉपर प्रोफेशनली तौर पर लगा रहे हैं, इंशाल्लाह इनकी स्केचेस पे भी मैं एक वीडियो आप दोस्तों के लिए ज़रूर तरतीब दूंगा। मेरी टीम इस चीज़ पे बहस कर रही है कि आपको वीडियो के जरिए आपको बैन का पैटर्न कैसे आप लोगों तक कन्वर्ट किया जाए, तो इस पर भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके लिए एक टेक्निकली तौर पर एक ऐसे मेथड इंशाल्लाह तरतीब दे रहे हैं जिससे हम इस बैन को आप तक, आपके मोबाइल तक या आपके लैपटॉप या आपके जो स्क्रीन है उस तक हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पर भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आप दोस्तों से एक वीडियो शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे बैन की ये जो शेप्स होती हैं और ये हमारे जो डायग्राम्स होती हैं या जो इसकी पैटर्न होता है ये प्रॉपर अगर नहीं होगा तब भी आपकी ये जो झोल्स वाला इशू है ये किसी तरीके से भी हल नहीं होगा। तो आपने जो पैटर्न है वो प्रॉपर प्रोफेशनल तौर पे जो पैटर्न यूज़ करते हैं वो आपने पैटर्न यूज़ करना है, और अगर आप अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो इंशाल्लाह हम आपके लिए वीडियो भी इस पैटर्न के टॉपिक पे आपसे लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये तीन चार चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं चाह रहा था कि मुझे भाई ने कहा था कि सर आप हमें इस पर मुझे बता दें, तो मैंने उनसे ये बात कही कि अगर आपको मैं बताऊँगा तो बता दो, मैंने उनको भी दिया, लेकिन मैंने कहा चलें आप लोगों का भी भला हो जाए, अगर आप लोगों में से किसी एक बंदे के साथ भी अगर इस किस्म को कोई टेंशन है तो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ये जो हमारी बीच में गहराइयाँ होती हैं ये आप दोस्तों से को इनका इलम हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से, आज के हमारे इस सेगमेंट से आपने ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। दोस्तों अगर आपकी भी स्टिचिंग में, आपकी कमीज़ बनाने में, शलवार बनाने में या कोई भी डिज़ाइनिंग में आपको किसी किस्म की दिक्कत है तो जिस तरह इस भाई ने हमें एक छोटा सा क्लिप बनाकर भेजा है तो आप हमें ये क्लिप ज़रूर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीनों पर घूम रहा होगा, तो आपने ये व्हाट्सएप नंबर पर अपना एक छोटा सा क्लिप बनाकर हमें सेंड कर देना है, और जिस तरह ये वीडियो तरतीब देगी आपको इस इशू को सॉल्व करने के लिए, इंशाल्लाह आपके इशू के लिए भी वीडियो क्रिएट कर दी जाएगी। हो सकता है दोस्तों आपका भी मसला हल हो जाए और आपके जो दुनिया में लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनके भी ये इशू सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया कीजिए, मेरी पूरी टीम जो है आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। तो दोस्तों
इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।